जनपद हापुड़ में मतगणना शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के कड़े पहरे के बीच मतों की गिनती जारी है। हर तरह की गतिविधि पर नजर रखने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। चेकिंग के बाद ही मतगणना स्थल पर प्रवेश दिया जा रहा है। इस दौरान मतगणना स्थल पर जाने वाले लोगों के मोजे भी चेक किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि दोपहर तक परिणामों की घोषणा हो जाएगी। मौके पर जिलाधिकारी अनुज सिंह, पुलिस अधीक्षक दीपक फूकर, एडीएम श्रद्धा शांडलियायन समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। हापुड़ की गढ़रोड पर स्थित नवीन मंडी परिसर में जनपद की तीनों विधानसभा सीटों हापुड़, धोलाना और गढ़मुक्तेश्वर में हुए मतदान की गिनती शुरू हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, ड्रोन और सीसीटीवी की निगरानी के बीच मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई। सबसे पहले गढ़ विधानसभा सीट के परिणाम आने की संभावना है। प्रत्येक विधानसभा के लिए 14-14 टेबल लगाई गई हैं। सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की मतगणना शुरू हुई, जिसके बाद ईवीएम के मतों की गिनती शुरू हुई। बता दें कि मतगणना के दौरान कुल 91 राउंड होंगे। इसमें से धोलाना में 32, हापुड़ में 30 और गढ़ में 29 राउंड में मतगणना की जा रही है। अब लोग ये जानने को उत्सुक हैं कि कौन प्रत्याशी अपनी जमानत बचा पाएंगे। जमानत केवल उसी उम्मीदवार की बच पाएगी जो कुल मतदान का 1/6 मत प्राप्त कर लेगा।